हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे एनोविलेशन यानी कि ओवरी में अंडा बनाने की प्रक्रिया का ना होना। एनोविलेशन या अंडा ना बनने की जो वजह रहती है, सबसे कॉमन वजह है प्रेगनेंसी ना रुकने की या प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आने की। हर महिला जिसके पीरियड्स रेगुलर हैं, ज़्यादातर उसका अंडा समय से बनता है और ऐसी साइकिल्स को हम बोलते हैं ओविलेटरी साइकिल्स। लेकिन वो महिलाएं जिनके पीरियड्स नियमित नहीं आते हैं, कभी बहुत जल्दी आते हैं, कभी बहुत लेट आते हैं, या जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या किसी बीमारी के लिए वो बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उनकी साइकिल्स एनोविलेटरी होंगी, यानी कि उनके अंडाक्षय से सही समय पे या तो अंडा बनता ही नहीं है या कभी कभी अंडा अगर बन भी जाता है तो उसकी क्वालिटी खराब रहती है। एनोविलेटरी साइकिल्स सबसे कॉमन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। तो कैसे जाने कि आपकी साइकिल ओविलेटरी है या एनोविलेटरी है, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या टेस्ट कराने चाहिए, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ओविलेटरी साइकिल्स हैं या नहीं, इसके लिए सिंपल सी चीज़ें जिसके लिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं कराना है, कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है, वो है कुछ बातों का ध्यान रखना। अगर आपके पीरियड्स सही समय पे आते हैं, यानी कि 21 से 35 दिन के अंतराल में कभी भी आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो ज़्यादातर समय आपके अंडाक्षय से अंडा बन के निकल रहा है, आपकी साइकिल्स ओविलेटरी हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स डिस्टर्ब्ड हैं, कभी भी समय से नहीं आते हैं, बहुत लंबा गैप ले लेते हैं या 21 दिन से कम के अंतराल में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी साइकिल्स एनोविलेटरी हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी साइकिल्स ओविलेटरी हैं या नहीं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर निर्भर करता है उस सिद्धांत पे जो ये बोलता है कि अंडा जब अंडाक्षय से रिलीज होता है, निकलता है, तब जो महिलाओं का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है कुछ हार्मोनल रिलीज की वजह से, और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर हम लगातार सही तरीके से सही समय पे एक अच्छे बेसल बॉडी टेम्परेचर को मापने के थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारी साइकिल्स ओविलेटरी हैं या नहीं। अगर पूरे साइकिल के दौरान आपका टेम्परेचर कभी भी बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद हमारे अंडाक्षय से अंडा रिलीज़ नहीं हो रहा है, हम एनोविलेशन की समस्या से ग्रसित हैं। प्रॉब्लम इस टेस्ट के साथ ये है कि आपको इसे सही तरीके से करना ज़रूरी है और हर बार एक सही समय पे करना ज़रूरी है, कोई भी एक फिक्स्ड समय। आप खाना खाने से पहले अगर इसे करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर का बढ़ना होता है ये बहुत कम मात्रा का होता है। तो अगर आपने कुछ गर्म खा लिया, कुछ ठंडा खा लिया, या आप किसी गर्म जगह से आए हैं, या कभी एसी में बैठे हैं, आपको बुखार है, या आप एक्सरसाइज करके आए हैं, या आपको गुस्सा आ रहा है, आपने बहुत समय से आप अपने फ़ोन पे या टीवी पे बिजी हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से वैसे भी आपका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इन्श्योर करिए कि जो भी कंडीशंस है वो हर बार सेम रहें। ये सब कंडीशंस को आप अवॉइड करिए और एक फिक्स टाइम पे हर बार आप अपना टेम्परेचर मापेंगे। एक तरीका होता है ओव्यूलेशन को जानने का, सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट। अगर आपके योनि मार्ग से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, जो सिक्रीशंस हैं, वो महीने के दौरान चेंज हो रही हैं, अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो ओव्यूलेशन के समय पे सर्वाइकल म्यूकस पतला हो जाता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम ग्लास के जैसा वो हो जाता है, उसमें हल्का चिपचिपाहट रहता है और वो स्ट्रेची यानी कि उसमें अगर आप उसको खींचेंगे तो वो तार जैसा बनता है, बिल्कुल एक अंडे की सफ़ेद जर्दी के जैसा। अगर इस तरीके का बदलाव आपके सर्वाइकल म्यूकस में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारी साइकिल्स ओविलेटरी हैं। अगेन, अगर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, अगर आप वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए कभी कभी आपके डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, वजाइनल सपोजिटरीज जो अंदर में रखने की होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या अक्सर फीमेल्स आजकल अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखने के लिए कुछ वजाइनल वॉशेज या पेरिनियल वॉश क्रीम या लोशंस का इस्तेमाल करते हैं,
तो इस तरीके की चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्वाइकल म्यूकस कैसा दिख रहा है, उसका कलर, कंसिस्टेंसी, वो सब बदल सकता है। और ये जानने में कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हमें समस्या आ सकती है, तो इस टेस्ट का ये लिमिटेशन है। थर्ड टेस्ट जिसके ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि या नहीं, वो है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, यानी कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये जानना कि आपका फॉलिकल कब बन रहा है, कब फूट रहा है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर की मदद लगेगी और रेगुलर सीरियल, मतलब कि कुछ एक एक दो दो दिन के अंतराल में, पीरियड के 10वें या 12वें दिन से जैसे आपके डॉक्टर सलाह देते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड, और अच्छा रहेगा अगर आप ट्रांस वजाइनल यानी कि योनि मार्ग से अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें फॉलिकल असेसमेंट, उसका साइज़ बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो हम ये जान सकते हैं कि आपका फॉलिकल बढ़ रहा है या नहीं, कब वो फूटा, कब उसमें से अंडा रिलीज हुआ। लिमिटेशन बस ये है कि आपको रेगुलर हॉस्पिटल विजिट्स इसमें देने पड़ते हैं। फोर्थ मेथड है जिसका इस्तेमाल से आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, या हम इनओव्यूलेशन की समस्या से ग्रसित तो नहीं है, वो है ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट। ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट के इस्तेमाल से ये तो ईजिली पता चल जाता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, लेकिन ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं ये हर किट नहीं बताती है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने वाला है या नहीं इसके लिए हमें मापना होता है LH हार्मोन को, और ओव्यूलेशन कंफर्म करने के लिए यानी कि अंडा रिलीज हो गया है इसके लिए हमें मापना होता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को। वो किट जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन भी मापती है वो आपको बता सकती है कि आपको ओव्यूलेशन है या हमारी साइकिल एनओव्यूलेटरी रही। ज़रूरी नहीं है कि आपका ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट अगर पॉजिटिव आया है तो ये तो है कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, LH लेवल जो है आपकी बॉडी में बढ़ गया है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें LH बॉडी में बढ़ने के बावजूद भी अंडा रिलीज नहीं होता है, तो ऐसे में हम प्रोजेस्ट्रॉन हमारी बॉडी में आया है या नहीं उसको जानने के बाद ही कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारी साइकिल ओव्यूलेटरी है या एनओव्यूलेटरी। तो ये थे वो तरीके जब हम जान सकते हैं कि हमारी अंडा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं। साल में 2 या 3 बार अगर आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो रही है तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर से मिलने की बात नहीं है। लेकिन 3 बार से ज़्यादा अगर आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हैं तो आपको टेस्ट कराने ज़रूरी हो जाते हैं ये जानने के लिए कि कहीं आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेसिक से टेस्ट है ब्लड में कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, आपको PCOD की समस्या तो नहीं है, रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडाक्षी में अगर अंडा बनने की ताकत कम होती है तो भी इस तरीके के लक्षण आते हैं, थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी होना, प्रोलैक्टिन हार्मोन की गड़बड़ी होना, कभी कभी अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, ओवरी में बड़ी बड़ी गठाने हैं या एंडोमेट्रियोसिस है तो भी इस तरीके की समस्या आ सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत ज़रूरत से कम एक्सरसाइज करते हैं, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या वज़न बहुत कम है, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, डिप्रेशन की या नींद की आने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारे ओवरीज के फंक्शंस जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं और आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हो सकती हैं और आपको डॉक्टर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।